रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। जीना कैसे चाहिए रामायण पढ़ो और मरना कैसे चाहिए भागवत सुनो। चले जाओगे तो भगवान कभी तुम्हारा त्याग नहीं करेंगे, भगवान तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, तुम्हें गले से लगा लेंगे, अपना बना लेंगे भगवान, ये उनका स्वभाव है। सनातनियों, आपसे एक आग्रह कर रहा हूं, अपने सनातन की रक्षा के लिए दो कदम जरूर बढ़ाओ, अवश्य अपने कदम बढ़ाओ सनातन की रक्षा के लिए। आज समय है और मैं फिर कह रहा हूं, ये वो पीढ़ी है, अगर ये पीढ़ी अपने धर्म को बचाने आगे आ गई तो कोई माई कलाल सनातन को टस से मस नहीं कर पाएगा, और अगर आप चूक गए तो आने वाली पीढ़ी को बहुत दुख उठाने पड़ेंगे और उसके जिम्मेदार हम और आप होंगे। आप सबको कल हमारी बात अर्जुन जी से हो रही थी, हमने अर्जुन जी से कुछ चर्चा की थी कि सनातन के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे ये संस्कार जा सके, कोई हमारे धर्म पर उंगली न उठा सके, उसे मुंह तोड़ जवाब मिले जो हमारे भगवान पे हमारे धर्म पे कुछ भी बोले, हमारी बहन बेटियों की तरफ उंगली उठाने वाले व्यक्ति का सही सटीक जवाब उसे मिलना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए, हमारी संस्कृति बचनी चाहिए, हमारे देश की निष्ठा बचनी चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। तो अर्जुन जी का एक शब्द था कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, मैंने कहा हम कुछ नहीं कहेंगे, वो आप जो करोगे हमें वो स्वीकार होगा। अर्जुन जी से पूछो, हमने कुछ नहीं कहा, अर्जुन जी आपके बीच में है, हमने एक शब्द नहीं कहा कि आप ये करो, हमारा स्वभाव नहीं, हमें संकोच लगता है, हम सब काम बोल देते हैं लेकिन ये जो लेन देन की बात होती है ना इससे बड़ा टेंशन हो जाता है, सब लोग कहते हैं तो ये मांगते ये करते हैं, हमको उससे डर लगता है। पर सच ये है न तो बिना जन बल के धर्म की रक्षा होगी और न बिना धन के धर्म की रक्षा होगी, दोनों ही चीजों की आवश्यकता हमारे धर्म को पड़ेगी, रक्षा को पड़ेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए अर्जुन जी ने आज 11,00,000 रुपए विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए हैं कि आप धर्म की रक्षा में धर्म प्रचार में इसको लगाइए, और इनसे हम हर महीने 11,000-21,000 तो लेते ही रहेंगे, मैं इसे फोन कर दिया करेंगे, डलवा लिया करेंगे, 11,000 से ज्यादा नहीं लेंगे हर महीने। हाँ तो महीने के कितने होंगे, 1,21,000, एक साल नहीं डलवाएंगे, अलग अलग से डलवा लिया करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे भी निवेदन हूं, क्या अर्जुन जी के पदचिन्हों पर हमको नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए कि नहीं, जोर से बोलो, धर्म की रखिए कि नहीं, मथुरा की लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं, है आगरा की लड़ाई हमको लड़नी चाहिए कि नहीं, बोलो जोर से बोलो, लड़नी चाहिए बोलता है, उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं, जवाब दो हाँ या ना, तो उसमें आपको भी हमारा साथ थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। हम आपसे कल कहे थे आप कुछ नहीं तो महीने में मात्र 101 रुपए हमको दीजिए, मात्र 101 रुपए उसे निकाल रहे हैं तो सीधी है ना, जब नीचे से सीधी लपुट है, उधर से कन्हैया वो लपुट फंसा रहे हैं तो बाल्टी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं वारे वाह टेढ़े वारे वाह, सूधे काम में टेढ़े ढंग से करे, टेढ़े काम में सूधे ढंग से करे, अरे तो पे ना निकलेगी बाल्टी, जब बाबा दे कांटा लेके आए, कांटा कांटा समझते बाल्टी निकालने वाला कैसा होता है, कैसा होता है, उसमें कई सरिया होती है और वो यूं टेढ़ी होती है, खुंटी की तरह टेढ़ी होती है, तो बाबा वो सरिया लेके आए टेढ़ी और फिर वो फंसाई, और फंसाए के जब बाल्टी निकालने लगे तो कन्या ने कहा बाबा रुक जा बाबा रुक जा बाबा रुक जा, बोले कावे हो बाल्टी निकाल रहा, बोले ऐसे में निकाले सीधे कांटे थे बाल्टी निकाल, टेढ़े कांटे थे मत निकाल, तो सीधो राम पसंद है ना, तो सूधे थे निकाल टेढ़े देखा ही निकाल रहे, अरे भैया कन्हैया सुनो, कुआ में गिरी वही बाल्टी
सूदी रसीते सूदी सरियाते नहीं निकलेगी, वाके काजे सरिया टेढ़ी करनी पड़ेगी, कांटो टेढ़ो पन्ना पड़ेगा, जबई बाल्टी निकलेगी। कन्हैया बोले निकाल ले, बाल्टी निकाल ले। अब पूछी पता काहे तू टेढ़ी करी, अरे कुआ में गिरी हुई बाल्टी है तो कांटे पे ही निकलेगी। बोले आवाज तो कह रहा हूँ, तुम्हारा नाम टेढ़ो, काम टेढ़ो, नीला टेढ़ी, धाम टेढ़ो, सब टेढ़ो, मैं तो सुधे राम की तपस्या करूंगा, उनका भजन करूंगा। अरे बाबा जब राम आए तब त्रेता युग तब लोग सीधे 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 मार्ग पे चले, बारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए और सब ने मार्ग दिखाए के चले गए। हम जब आए द्वापर को अंत है रहो है, और सब लोग पाप कर करके माया के कूप में गिरे हुए, इनमें निकालवे काजे सूदे राम कम टेढ़े श्याम ज्यादा चाहिए, जा मारे मेरो नाम और काम और धाम सब टेढ़ो। और आजकल की तो स्थिति यह है, प्यारा भजन हमारे यहाँ गाते हैं बहुत सुंदर, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरी, Okay.
और कसम से जितना मुंह दिख रहा था तुम इतने सुंदर नहीं लग रहे थे जितने आप लग रहे हो, तुम्हारी कसम पूरा मुंह ढको है ईमानदारी से अपने कल्याण के लिए कन्हैया के बन जाओ
अगर कन्हैया के बन गए तो इसी जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा, और दुनिया के बने रहे तो जैसे अब तक जन्म बेकार हुए वैसे ये भी बेकार हो जाएगा, और ये बेकार हो गया तो 84 लाख चक्कर पड़ेंगे फिर। इसलिए इस जन्म में बन जाओ कन्हैया के, अभी नहीं तो दोहरा बना के टूटे। हाथ ऊपर करके गोपी बन के झूमो, पहले कन्हैया ने विष पान किया पूतना का, फिर संकटासुर का उद्धार किया, उसके बाद जरा ध्यान से सुने, कन्हैया ने एक और लीला करी जो बड़ी प्यारी है, वो है माटी खाओ लीला। कौन सी लीला जोर से बोलो, आप लोगों ने कभी माटी खाई है? अरे राम राम राम, कोई सकल घंट पर कभी नीचे दिया पर धारण करना, इसी जन्म में कल्याण हो जाता है, इसी जन्म में गए वृंदावन, प्रिया कामजू मंदिर के दर्शन किए कभी? किस किसने किए प्रिया कामजू के मंदिर के दर्शन? अच्छा कहियो ने किए, कैसे ठाकुर जी हमारे? एक बार फिर से दर्शन कराओ भाई ठाकुर जी के, इतने ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल धन्यवाद ठाकुर प्रिया कांत, और बड़े से बड़े लोग जो लोग हैं ना उनकी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करते हैं गोविंद, हर इच्छा को पूरी कर देते ठाकुर। खैर ब्रज रज का स्वाद, कन्हैया को कान पकड़ो चोरेदारी के, तेने का माटी खाई है, तो कन्हैया कह रहे हैं ना हम भक्षित बानंबा सर्वे मिथ्यावी संसरी, मैया मैंने माटी नहीं खाई है, सब ब्रजवासी झूठ बोल रहे। और कन्हैया स्वयं कह रहे मैया तोए अपनी तोए मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं है तो एक काम कर, तू मेरा मुख खोल के देख ले। मैया बोली ये बात ठीक है, मुख खोल के देखा तेने माटी नहीं खाई। तो कन्हैया ने मुख खोलो, मुख जब खोल, ये बात बड़ी ध्यान से सुनो, ये कथा थोड़ा सावधान होकर बैठो, आलस्य में नहीं ऐसे बैठो। जब भगवान ने अपना मुख खोला तो मुख भीतर ब्रह्मांड दिखायो, ये पूरा ब्रह्मांड 7 लोक नीचे के 7 लोक ऊपर के और 7 समुद्र जी के, गंगा जमुना का दर्शन हुआ, ब्रह्मा शंकर नारद इंद्र सब भगवान के मुख में दर्शन दिया। मैया देख के तो होश उड़ गए, जी को है। ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, ऐसा
लग रहे तो पूर्ण ब्रह्म है। तब कन्हैया ने अपना मुख बंद कर लिया। जो कृष्ण को सिर्फ रास करने वाला कृष्ण समझते हैं, माखन चुराने वाला कृष्ण समझते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कृपा करके बताइए, है संसार में कोई व्यक्ति ऐसा जो अपने मुख में कुछ दिखा दे? अपना घर दिखा सकते हो, अपनी गाड़ी? मोबाइल से बहुत प्रेम करते हो, मोबाइल रखे दिखाओ अपने मुंह में। हम मनुष्य है ना, हमारी सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने अपना पूरा ब्रह्मांड मुख में दिखाया। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? रीजन यह है, मैया तू तो कह रही है कि मैंने माटी खाई है, या संसार में ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मेरे भीतर नहीं, सब कछु मेरे भीतर है, ये पूरा ब्रह्मांड मेरा, पूरा ब्रह्मांड ही मुझ में वास करता है। तुम देखो, तो भगवान ने पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाया। इसका मतलब है वो हम सबको मैसेज दे रहे हैं कि मैं पृथ्वी पे लीला करने आया हूं, तो मेरी लीलाओं को सिर्फ मानव समझ के मत समझना। मैं कौन हूं ये याद रखना, और उसके बाद हमारी लीलाओं को सुनना। तो भगवान ने अपने मुख के भीतर पूरा ब्रह्मांड दिखाया, और ये कथा भागवत के अंतर्गत है, दशम स्कंध। एक और कथा बड़ी सुंदर है। एक दिन की बात है, मैया यशोदा एक दाग्रहदासी सुयशोदानंदगे हनी कर्मं कर्मयुक्तासु कर्मंत्रं स्वयं दधि। मैया अपने हाथ से दधि मंथन कर रही है। किस किसके घर में ठाकुर पूजा है? लेकिन के घर में ठाकुर पूजा हाथ उठाओ। कौन कौन ठाकुर पूजा अपने हाथ से करते हैं? अधिकांश माता बहन ही घर में ठाकुर जी की पूजा करती हैं, भाई लोग तो बस माता टीका निकल गए। किस किसके घर की आदत है ऐसी, है ना? चार मिठाई के पीस ले आए, भगवान को भोग लगा दिया, हलवाई से जाके पूछो किस किसने बनाई हलवाई मिठाई बनती हुई देखो तो सही। गर्मियों में जब मिठाई बनाते तमाम पसीना मिठाई में, और वो बड़ा टेस्टी है। मना करो हम गलत कह रहे हो, बोलो। तो मेरा निवेदन है, जिनके घर में ठाकुर पूजा है उन लोगों को ठाकुर जी के लिए कोई भी भोग सामग्री अपने हाथ से ही बनानी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अपने हाथ से बना, अपने हाथ से बना, हमारा आग्रह। तो मैया अपने हाथ से दधि मंथन कर रही है, अपने हाथ से दधि मंथन कर रही भैया। कन्हैया उठे, कन्हैया उठे गए और जट वो रही पकड़ ले, और रही पकड़ के बोले, मैया मुई बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाए कूद। मैया बोले, तेरे का जी माखन निकाल रही हूँ, नहीं तो रुक जा, सद माखन दूंगी। बोले, इतनी भूख लग रही है क्या भाई, दे यही में तो दे जल्दी रहे। क्या होली बड़े जिद्दी कर रहे हैं, बड़े जिद कर रहे हैं, खाद कर रहे हो, पहले आप पूरी दही मस्त तो लेना, उन्हें ना जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। मैया ने कन्हैया बोले, मैया मैंने चोरी छोड़ दी। बोली, कब दे? बोली, जब ते ब्याह का नाम सुना, तू तो बस मेरे ब्याह करवा दे। मैया बोली, अच्छा चल ठीक है, तेरे ब्याह करवाऊंगी, सही सही बता, कोई बहू कैसी चाहिए? जितने भी मम्मी पापा बैठे सबसे हमारा आग्रह, बच्चों की शादी सम जाति में होनी चाहिए, सनातनियों की समान होनी चाहिए। शादी के विषय में शास्त्रों में लिखा है, अपने ही बराबर के लोगों में शादी करनी चाहिए बच्चे की, और बेटी जिस योग्य हो उसी के योग्य पर ढूंढना चाहिए। कई लोग पैसे को देखते बेटी किसी को भी ब्याह देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस योग की बेटी हो
तो बेटी या बेटा कोई भी हो, एक बार पूछ लेना चाहिए, भैया तुमने शादी कैसे व्यक्ति से करनी, तब जाना अच्छा रहेगा। बोलो राधे राधे, ऐसे में जोर से बोलो। हमारा निवेदन है 20 मिनट और बैठ जा सभी लोग। ए भैया बैठो 20 मिनट और, नहीं कार्यक्रम लावेगी तू छिपाए मुख घूंघट में मुस्कुरा जाए थोड़ी थोड़ी। भैया वो एक बहुत गोरी चाहिए, किसी भी लड़के से पूछ लो बहू कैसी चाहिए, बोल गोरी चाहिए। बोले अपना सगा तो देख लो, उधर वो तो कैसे हो, ऐसे लग रहे हो जैसे केवल की खदान से निकाल के लाए, और तुम्हें गोरी चाहिए। अरे वो हम काले हैं तो क्या हुआ, हम दिल वाले हैं, हमें बहुत गोरी चाहिए। ऐसे हमारे कन्हैया है, कन्हैया क्या कह रहे हैं, मैया बहू तो वो गोरी चाहिए। मैया हसी तो कन्हैया पूछ रहे क्यों सही, मैया क्यों सही है। अरे बोले नहीं हंसना ऐसी बता सही क्यों सही है। बोले कन्हैया अपने बहू को देख ले बेटा, जब तू खुद ही गोरो ना आए तो बहू गोरी कहां पे आ गई। मैया तू वो देखा कह रही है, ये कोई बात है मैया, सुन तारे भी कमलूप ना हो मैं भी घूमलूप हूं, तू देख ले। पर मैं मान लो कि चल कार हो, अब तो मैं तो कार हूं ही, बहू और कार ही आएगी तो कितनी गड़बड़ है जाएगी। बाहर जाके देखो अंधेरो है और आपसे 50 साल पहले चलना जरा बाहर तुम आगे नहीं जाए। कार्यकर्ता भैया ए बेटा बेटा आप आगे रहने दो, बस आगे रहने दो, पीछे वालों पर आप बैठे रहो। तो कहां थे मैया, 50 साल पहले जाओ भारत में, 50 साल पहले इतने रोड नहीं थे, 50 साल पहले इतने वाहन नहीं थे, 50 साल पहले हम लोग यात्राएं अधिकांश पैदल किया करते थे, हाँ या ना। किस किसने 50 साल पहले, मैंने तो देखी नहीं, तुम बताओ। इतने रोड नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, पैदल यात्राएं ज्यादा होती थी। तो भैया तू सोच कि मैं भी कार और बहू भी कार, मैं जाऊंगा ससुराल बहु ले गई, ध्यान से सुनियो तो नहीं बता रहे भैया तू, मैं जाऊंगा बहू ले गई ससुराल, और तू तो जाने ही है कि बहू तैयार है भी कितनी देर करें, जितनी देवी बैठी है आपको तो पहनने का होगा तैयार होने में, सही सी बताओ कितनी देर लगती है। एक हमारी कह रही है हमको तो 10 मिनट लगते हैं, आपकी उम्र के हिसाब से ये भी ज्यादा है, आपके हिसाब से बस 5 मिनट में चलो, हमें 2 मिनट लगती है तैयार। जो बहुए नई नई बहुए आपकी जमदार या विवाह होता है, फिर देखो एक एक ध्यान रखना पड़ता है, ये जुलप कहाँ लटकानी है, ये काजल पे लाल लगाना है, ये पीला करना है, ये साड़ी गुलाबी कलर की है तो ये पलक भी गुलाबी होंगे, यहाँ वो मोती लटका एक बार निकाल के उसमें मोती लटकाना पड़ता है, बुढ़ा है ना। और फिर कहीं उन्हीं दिनों नई नई चीजें याद आई तो आजकल माता बहन टैटू भी कर, टैटू बोलते क्या, वो भी करवाने लग जाए तो वो टैटू में गए 2-4 घंटा। तो फिर जब नई नई शादी होती तो सहेलियां भी आती हैं, मालती जा रही है, इमरती देवी जा रही है, फिर वो आती है, फिर उनसे शुद्ध होना पड़ता है, तो तैयार होने में समय
लगता है हम भैया को तैयार है मैं दिल लगाने दिल में बात लेके चलूंगा और रास्ता में मार्ग में आते आते अंधेरो रह जावे हो ये रह जावे हो अंधेरो रह जावे हो अब अंधेरो है गए हो तो मैं भी का रहा तू भी का रही और रात भी का रही कबो नहीं बारिश का पतो नहीं मार पतो नहीं और मेरे पीछे पीछे वो आई गई है मैं तो जी समझूंगा और मैं धीरे 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 चले आऊंगा अब वो रास्ता जाने की नहीं कार में न तो मैं दिखूंगा न वो दिखेगी दोनों ही तारे तारे रह जाएंगे अंधेरे में खो जाएंगे वो अपने घर चली जाएगी मैं आऊंगा और फिर तुम मुझे पूछेगी बहू कहाँ है वो कहाँ पता अंधेरे में कहाँ गई बहू फिर बोलो मैया अगर बहू गोरी भाई तो अंधेरे में तो मैं तो भाई फिर ना दिखूंगा पर वो कारी अंधेरी रात में चंदा सो चमकेगी गोरी होगी तो अजय को लौट के जा रही होगी अपने गाँव में जैक में बात को हाथ पकड़ के वहां पकड़ के कहूंगा जी कहाँ जा रहे हैं हमारा मार्ग इधर है जी हमारा काम इधर है आइए ना हमारे साथ तो गोरी होंगी तुम संग ले आएंगे दिख जाएंगे हमको हाँ लाला बात ये तेरी सही है कारी बहु होगी तो अंधेरे में खो जाएगी गोरी बहू तो तू लिया या हमारे गोरी चाहिए भैया ठीक है गोरी बहू लाएंगे और बोले मेरे पर बात कहा बाकी नाम तोता जैसी होनी चाहिए भैया बोली तोता जैसी नाम बाकी काम आए हुए कि बोले तोता जैसी नाम बड़ी सुंदर लग रही लंबी सी तो चलो तोता जैसी नाम भी ढूंढेंगे और बोले भैया बाकी आंख मोटी मोटी होनी चाहिए अब इतनी चीज कहां पे देखूंगी लाला एक छोरी में गोरी चाहिए नाक लंबी चाहिए फिर आंख मोटी चाहिए अब मोटी आंख इनको क्या करे वो मैया मोटी आंखी चाहिए मोटी क्यों पर बोले मैया तू चीन वाले में देख रहे बटन सी आंख पर कोई ना चलता है कि ना एक छोरा एक छोरी चीन के दोनों का फोटो खींच ले पूरी चीन को फोटो खींच जाओ सही बता रहे हम चीन के लोगों की आंख देखो तुम पता ही ना चले क्या आंख है क्यों एक को मिले बाद में मिले दो आदमी को वोट भेज लो पूरी कंट्री को वोट दो पूरी राष्ट्रपति को हुई मतलब सबको सुंदरता तो हमारे भारत में है भगवान ने मानव में जो सुंदरता कूट कूट के भरी है ना वो हमारे भारत में भरी है कूट कूट के क्या बोलना पड़ेगा इसमें जोर से बोलना पड़ेगा अच्छा आंख मोटी क्यों होनी चाहिए बोले भैया मोटी मोटी आंखें में झीनो झीनो कजरा जब मोटी मोटी आंखें में काजल लगे ना दूर से ही चमके दीवलासी बड़ी मधुर लगे ये हमारे भैया मेरी बहू की आंख मोटी होनी चाहिए तो जब जी के युद्ध ढूंढो थी और बोले भैया एक और बात बोले अब कौन सी बात रह गई बोले एक बात सुन जब मैं गैया चुरा के जाऊं और तू घर में हो भैया एक बात बता जब मेरो ब्याह है जावेगो तब भी घर में रहेगी तू भैया बोली कहां जाओ बोले भैया जब बहु बेटा है जाए ना जब बेटा को ब्याह है जाए तो फिर बुढ़ापे में जमुना जी के किनारे पे झोंपड़ी डाल लेनी चाहिए भगवान को भजन करना चाहिए और बाकी हाथों पे गरम गरम फुलकिया बनवा के उर्द पिसार और फुलकिया तो मैं जमुना जी के किनारे पर ले जा पाऊंगा और मैं तू और बाबा दोनों मई लो मई भजन करियो हमें यहाँ आराम कर लो तुम दोनों आराम कर मान लिया अरे वाह मेरे श्रवण कुमार तेन तो हद कर दी तेरी बहू आई नहीं तेन तो मेरे देश में आरो पहली कर दियो अच्छा मत जाइयो मत जाइए घर में रहो ठीक पर मेरी बहू एक बात सिखा दियो बोलता बोले जब मैं सांझ को गैया चरा के आयो करूं और तू घर में हो तो तेरे माऊ तेने को घूंघट कर गई और मेरे माऊ देख के तुमने मंद मंद मुस्कुरा दो कर बस मैया बोल बाकी मुस्कुरा दो तो पता फर्क पड़ेगा हरी मैया तू ना जाने जब पति रात दिन भर मेहनत करेंगे घर के बाहर पे
जब सांझ को घर आवे और जब सांझ को घर आवे और पत्नी मुस्कुराए के बाद देख ले तब आके दिन भर की थकान दूर रह जाए, दिन भर की थकान मिट जाए और धीरे बढ़ाओ तुम्हारे पत्नी की थकान को मिटाऊ। अच्छा कौन कौन देवी अपने पति का स्वागत ऐसे ही करती है मुस्कुराकर? कई देवियां वैसे होती है शाम की प्रतीक्षा करती है कब ये आए और कब इसकी माँ की करतूत इसे सुनाऊ। तेरी माँ ने ये कह दिया, तेरी माँ ने कह दिया मेरा घर में जीना हराम हो गया, पता नहीं कौन सा मेरा पूरा कर्म था जो ऐसा घर में लाया। घर में आते ऐसा लगता है कि यमराज ने बम फोड़ दिया, आज का दिन खराब हो गया। एक बात कहें, अच्छी बात बताएं, हर दिन शिकायत नहीं करनी चाहिए अपने पति से। देवी तुम्हारे घर में अच्छा खुशहाल मौसम रहे, थोड़ा अमृत वर्षा होती रहे, इसके लिए उपाय बताते ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये सीख लो, कभी भी अपने बच्चों के आगे नहीं लड़ना चाहिए। तो हमेशा बच्चे जब ना हो तब एक दूसरे से शिकायत करो, पहली बात। दूसरी बात, घर में प्रवेश करते ही कभी शिकायत शुरू नहीं होनी चाहिए। अगर चाहते हो घर में शांति हो, जब शाम को हस्बैंड आ रहे हो तो लोटा जल लेकर द्वार पर खड़ी रह जा और मुस्कुरा कर वेलकम हस्बैंड माय डियर प्लीज कम प्लीज कम। जो हस्बैंड को पसंद हो चाय टी कॉफी व्हाटएवर वो लगा क्या 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 लेंगे जलेंगे जो हस्बैंड कहे वो खुश रहेगा। छह दिन यही व्यवस्था, सात दिन यही व्यवस्था, हफ्ते में एक दिन रविवार जिस दिन पति की छुट्टी हो उस दिन 3 घंटे शिकायत का प्रोग्राम सेट करो और वो 3 घंटे खाली नहीं जाना चाहिए। जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी हो और बच्चे का जब पार्क में खेलने गए हो तो टाइम फिक्स कर लो, ये बच्चे खेलने गए अब आ जा तू, अब देख लो तेरी टी और कॉफी आ जाए। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, सुनो सुनो नहीं बैठ रहा। अच्छा मैंने समझी कहीं तुम वो रविवार का दिन देख के परेशान हो गए। महाराज तो व्यवस्था कर रहे हैं, क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा वैसे बताओ, 7 के 7 दिन लड़े ये अच्छा कि 1 दिन लड़े ये अच्छा? एक हफ्ते में हमने जी को बढ़ास भी तो निकालनी है ना, ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाएगी ना। पढ़े लिखे लोग थोड़ा यू आर स्टूडेंट यू आर ये यू आर कैसे थोड़ा कमीज वाली लड़ाई ना, लड़ाइट हो हाथ पाँच हो ये सब खराब है, थोड़ा वैसा प्यार वाली लड़ाई वैसे लड़ना बेकार की बात है, कभी लड़ना नहीं चाहिए पर कभी कभी मनोरंजन करना हो। बोले भैया जब मैं घर में आऊ तो मेरी बहू को सिखाती हो तेरे मुँह से देख के मेरे मुँह तेरे मुँह घुमट करके मेरे मुँह देख के मन मन मुस्कुरा दो कर मैया बोले तारी के ज्यादा उदम करने लगे हो, तो मैया प्यार करने लगी कन्हैया पे, मैया ने कन्हैया को गोद में बिठा लियो। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे क्या भगवान ऐसी बातें करते होंगे, अवश्य करते हैं। जिस समय भगवान ये लीला कर रहे हैं उस समय विवाह की आयु नहीं है भगवान की, पर फिर भी ये मीठी मीठी बातें क्यों करते हैं? जैसे संसार का कोई विवाहक अपने माता पिता को सुख देता है वही सुख में भी अपनी मैया को दूं, इसलिए वो मानव लीला कर रहे हैं, अपनी माँ को सुख देने के लिए लीला कर रहे हैं। भगवान तो निष्काम है, उसके मन में कोई कामना ही नहीं होती। अब ये प्रश्न ध्यान से सुनो, जो मैया से कन्हैया कर रहे हैं, मैया से कन्हैया बोले मैया वो एक बात बता तो मैं प्यार रहूं कि दही दूध? सुनिए हमने आपसे पूछा भगवान से प्यार कौन कौन करता है, एक बार और बताओ कौन कौन प्यार करता है भगवान से? अच्छा जब से किसी से भी प्रेम करें प्रूफ तो देना ही पड़ता है ना, बिना प्रूफ दिए तो सिद्ध नहीं होता कि हम प्रेम करते हैं ना। आजकल के प्रेमी भी बड़ा बड़ा प्रूफ मांगते,
तुम दो मंजिला छत से छलांग लगा सकते हो हमारे लिए? आजकल के पति भी कहो, प्रेमी भी बड़े नाटक हो, तुम कहो तो हम आसमान के तारे तोड़ लाए, तुम कहो तो चांद तारे तोड़ लाए। तो मुझे इन देवियों की बात पे बड़ा अजीब लगता है, ये कह रहे मैं चांद तारे तोड़ लाऊं, इसकी हाइट नहीं देख पा रही हो तुम? इस जो ये कह रहा है मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा डेढ़ फुटिया, इसकी हाइट तो देखो, हाउ इज इट पॉसिबल चांद तारे तोड़ लाऊं? ये कोई विक्रम लैंडर पे चढ़ के जाएगा? गजब की बात है, तो झूठ बोल रहा है और तुम झूठ मान रही हो। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता प्रेमिका भी बढ़िया थी ना दोनों, एक दिन वक्त वो प्रेम का प्रेमी बोला हाँ ऐसे लगता है जैसे तो चंद्रमुखी, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ, यू आर माई लाइफ माई चंद्रमुखी, ओ चंद्रमुखी आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई एवरीथिंग। बाबू बड़ी खुश हो, आई एम योर लाइफ, यस यू आर, सो स्वीट। चंद्रमुखी जो कहती है खुश होगी, और जिसको चंद्रमुखी कहा उसे खुद नहीं अपनी शक्ल दिख रही, फिर भी खुश है, चलो मान लो खुश हो चंद्रमुखी खुश। शादी फिक्स हो गई चंद्रमुखी के साथ, और एक दिन तेज बदल रहा है, चंद्रमुखी से धीरे धीरे अब तो सूरजमुखी लगने लगी है, सूरजमुखी आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ। और शादी के छह महीने में वो चंद्रमुखी ज्वालामुखी हो गई, ज्वालामुखी हो गई वो सिर्फ छह महीने में। और न वो विश्वास पर जिन्होंने शादी करी है प्रेम के बाद उनसे पूछ लो जाते, एक इधर मुंह करके सोता है एक इधर मुंह कर, बीच में तकिया और डाल लेते हैं मसंद, वो चादर भी अलग अलग रही है, और कहां गई चंद्रमुखी, कहां गए रे चंदा, चंद तारे तोल ला, और चंदा एक ऊपर हो तारो एक ऊपर हो, अब गंगा जमुना वो सर्द महीना है। झूठ पर जो रिश्ता टिका होता है वो जल्दी टूट जाता है, इसलिए कोई भी संबंध झूठ पर नहीं टिकना चाहिए, सच्चाई पर, सत्य पर। माता रहमत से निवेदन है, कोई कितनी भी तुम्हारी झूठी बढ़ाई करे उन पर प्रेम मत किया करो, और जब भी कोई झूठी बढ़ाई करे, काफी लोग होते हैं जो फंसाते हैं सोशल मीडिया पे झूठ बोल बोल के, यू आर लुकिंग दैट, यू आर लुकिंग दिस, तो उसी समय जब ये से लिखा करे तो अपना सकल फेस दर्पण में देख लिया करो जाके, और जब दिखे कि नहीं दिख रही ऐसा तो बोले झूठ बोल रहा, झूठे को ब्लॉक कर दिया करो, आपकी सेफ्टी, आपके परिवार की सेफ्टी, आपके सम्मान की सेफ्टी। मैया ने पूछी, कन्या ने पूछी मैया को एक बात बता, कोई मैं प्यार लगूं कि दही दूध, मानो जीव से पूछ रहे हो तुम्हें मैं प्रिय लगता हूं तो मुझसे प्रेम करते हो कि माया से, मैया बोली दही दूध को कहा प्यार हो, तो उन्होंने कहा हम कुबेर के पुत्र है, नर कुबेर मणिग्री हमारा नाम है। भगवान ने पूछा कुबेर के पुत्र हो, बोले हाँ, तो कुबेर के पुत्र होकर तुम स्टेज पर जड़ कैसे बने, जड़ कैसे बन गए? बोले महाराज हमसे अपराध हुआ था, एक बार हम सभी अपने मित्रों के साथ सरोवर में जल विहार करने के लिए गए थे, और जब जल विहार कर रहे थे तो सरोवर के तट पे होके देवर्षि नारद निकले, और जब देवर्षि नारद निकले तो हम सब जो हमारे सब और लोग थे वो गए
और उन्होंने देव ऋषि नारद को जाकर प्रणाम किया। और जब नारद जी को प्रणाम किया, हम दोनों भाई वहीं खड़े रहे और इस बात को देखकर नारद जी को क्रोध आ गया और नारद जी ने कहा, दुष्टो, कुबेर के पुत्र होकर तुम्हें अभिमान है, तुम संत को देखकर भी प्रणाम नहीं करते, जल में जड़वत खड़े हो, हम तुम्हें साथ देते हैं, जाओ तुम। माता पिता कमरे में आए और हम बिस्तर पे बैठे रहे, ये भी अपराध है। कोई संत, कोई विद्वान, कोई ब्राह्मण हमारे सामने आए और हम उन्हें प्रणाम न करें, ये भी अपराध है और ये शास्त्रीय अपराध है। वेद इसे अपराध मानता, ये अपराध की श्रेणी में। माता पिता के सिराने बैठना अपराध है। यहां कितने बच्चे अपने माँ बाप के सिराने बैठने वाले होंगे? सिखाया ही नहीं गया, मम्मी पापा ने कभी बताया नहीं कि सिरा। आजकल एक जगह में एक बच्चे बैठा था, हमने उसको समझाया तो दादी को बुरा लग गया कि ना महाराज समझा रहे, महाराज ऐसे कह रहे। दादी पता क्या बोली, बेड पे पता नहीं चलता किधर सिराना है किधर कहां कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, नहीं पता चलता बेड पे? बोलो, तकिया किधर रखते हैं? जिधर तकिया होती है वो सिराना है, जिधर पैर होते हैं वो पाइता है। तो हमेशा बड़ों के पैरों की तरफ बैठना चाहिए, कभी भी सर के करीब नहीं बैठना चाहिए। जो सर के करीब बैठते हैं वो अपराध करते हैं। गुरु के साथ, माता पिता के साथ, संतों के साथ कभी बराबर में नहीं बैठना चाहिए। ये संस्कार तो हमें सिखाए गए और कोई ना भी बताए और आप करो तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। और जो माँ बाप ऐसा नहीं सिखाते वो माँ बाप गुनेगार। कैसे करेंगे आदर? इसलिए सीखो और सिखाओ। जितने बच्चे बैठे आज के बाद कभी भी अपने माता पिता के सिराने मत बैठना, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हारे माता पिता घर में कमरे में प्रवेश करें और तुम बैठे हो तो तुम्हें तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए। वो माता पिता हो, दादी दादा हो, कोई सम्मानीय व्यक्ति हो, तुरंत खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए। क्या बैठे, जब वो बैठ जाए तब हमें बैठना चाहिए। ऐसा सत्कर्म करने वाला मनुष्य, इतना आदर करने वाला मनुष्य परमात्मा को विशेष प्रिय होता है। संस्कार इसी को कहते हैं संस्कार। नारद जी ने साफ दे दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ। अच्छा, नारद जी को कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला था ना? कुछ भी बोला नहीं था, कुछ भी नहीं बोला था, सिर्फ प्रणाम नहीं किया था। आजकल अगर वो प्रणाम ना करे और संत कुछ ऐसा कह दे तो आजकल के लोग सोशल मीडिया पर उसकी धज्जियां बिखेर दें। ये देखो घमंडी बाबा, ये देखो पाखंडी बाबा, ये देखो नौटंकी घोर बाबा, ये देखो ड्रामे बाबा, पता नहीं क्या क्या बोले। अच्छी चीजें सिखा भी दो, लोग मान लेंगे इस बात की गारंटी में। सीखो, अवश्य सीखो। कुबेर के बच्चे जड़ बन जाएंगे संत का अपराध करने पर, संत को प्रणाम न करने पर, तो फिर हमारा क्या हाल होगा? हम कौन से गेंद की, क्या दावत है, कौन से गेंद की है? तुम कौन से गेंद की क्या हो? गाजर भी तो नहीं होती, गाजर तो लंबी चीज होती है, जरूरी मूली बोलनी, खाने वाला भी दुखी और खिलाने वाला भी दुखी। राधे में मूली कर दे तो मीठी होती, तो तू कौन से गेंद की? हम तो क्या कर रहे, भगवान ने कहा तुमसे प्रसन्न है तो वरदान मांग लो। बोले महाराज, हम अपनी वाणी से आपके गीत गाते रहे, आपके चरणों में हमारा
सर झुका है, आपके तीर्थों में हम जाते रहे। गुणान कथने श्रवण कथायाम हस्तौ रचताय मौसु मनस्तु पादयोर्न स्मृतभ्याम शिरस्त्वं निवास जगत प्रणामे दृष्टि सदा दर्शनेस्तु भवद्रनूनाम। देखो कृष्ण किसके लिए आए थे? धर्म की रक्षा के लिए। अरे रक्षा ही बोल दो। भगवान श्री राम किसके लिए आए? रक्षा के लिए। कृष्ण किसके लिए आए? रक्षा के लिए। राम किसके लिए आए? रक्षा के लिए। नरसिंह किसके लिए आए? रक्षा के लिए। बामन किसके लिए आए? रक्षा के लिए। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं उन सब के सब अवतारों का एकमात्र कारण था धर्म की रक्षा का। क्या कारण था? तो 5 मिनट सावधानी से बैठ गए थे। अगर सच्चे सनातनी को 5 मिनट कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ सच्चे मन से सुनो, राम अवतार होता है धर्म की रक्षा के लिए, कृष्ण अवतार होता है धर्म की रक्षा के लिए, परशुराम अवतार होता है धर्म की रक्षा के लिए, हनुमान जी का अवतार होता है सिर्फ धर्म की रक्षा करने के लिए, बामन अवतार होता है धर्म की रक्षा के लिए, कच्छप मच्छप जितने भी अवतार होते हैं वो धर्म की रक्षा के लिए होते होते कि नहीं होते? जिन देवता जिन भगवान को हम और आप पूजते वो सब के सब धर्म की रक्षा के लिए ही आते हैं। आते कि नहीं आते? आते कि नहीं? धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। फिर हमारी क्या जिम्मेदारी है? धर्म को बैठ जाना है, संस्कृति को बैठ जाना है, उसे उसके हाल में छोड़ दे, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ईमानदारी से सोचो हमने हमारे धर्म के लिए क्या किया आज तक? हम तो अपने बच्चों को भी धर्मात्मा नहीं बना सके। मैं ये नहीं कहता कि तुम बाबा जी होकर कथावाचक होकर पूरी दुनिया को धर्मात्मा बना दो, पर इतना गुण तो तुम में होना चाहिए ना कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी धर्मात्मा हो जाए। तुमने जो घर में मंदिर बनाए वो मंदिर कहीं तुम्हारे जाने के बाद दीपक के लिए तरस न जाए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि नहीं? और आज की जो आने वाली पीढ़ी है 100 में से 90 ऐसे हैं कि उनके बच्चे उस घर में दीपक नहीं जलाएंगे। कौन ऐसा जिम्मेदार? हम न धर्म को जाना न धर्म को माना, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो हमें सिखाते चले गए, राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो हमें बताते चले गए, हम उसके परिचयों पर चलते चले गए, इसके जिम्मेदार हम हैं। धर्म की रक्षा कैसे होती मालूम? दधीचि ऋषि के विषय में सुना है? सुना है? एक मांगने वाले देवता ब्राह्मण का रूप बनाकर पहुंच गए थे। दधीच ऋषि से क्या मांगा? उनकी हड्डियां, उनकी अस्थियां। क्या मांगा था? जोर से बोलो। और हड्डियां देंगे तो प्राण बचेंगे, जीवन बचेगा। पर द्वार पर आकर कोई हमसे कुछ मांगे और हम न दे धर्म के लिए, दधीचि ऋषि ने कहा क्या मांगते? बोले आपकी अस्थियां चाहिए। बोले अभी देता हूं, एक क्षण का विलंब नहीं लगाया। और उन्होंने एक क्षण में अपने शरीर की सारी अस्थियां उन देवताओं पर समर्पित कर दी। आज बाहरी संस्कृति सबसे बड़ा दैत्य है, हमारी संस्कृति पे सबसे बड़ा राक्षस बन के आक्रमण कर रहा है। और इस बाहरी राक्षस के कल्चर में हमारी बहन बेटियां माँ हमारे परिवारी बच्चे सब उसकी गर्त में आ चुके हैं। और इसीलिए कोई बच्चा आसानी से मंदिर जाना नहीं चाहता, कथा में जाना नहीं चाहता, माँ बाप के पैर नहीं छूना चाहता, समर्पित नहीं होना चाहता, अपने धर्म को नहीं जानता। राम जी ने सीता जी को क्यों वन भेजा उसे नहीं पता, कृष्ण माखन क्यों चुराते उन्हें नहीं पता। उन्हें दो ही चीज पता है, कृष्ण रास रचाते थे, कृष्ण माखन चुराते थे। उन्हें तीसरी चीज नहीं पता कि वही कृष्ण गीता का पाठ भी सुनाते, गीता का उपदेश भी देते, ये नहीं पता।
पापी लोग ये भी कह के बचना चाहते हैं, अब क्या करें, हमारा समाज बिगड़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे टायर कमजोर बातें मत करो, एक बात मत भूलो, जिन लोगों ने समाज को बिगाड़ने के लिए सोचा था वो दो चार ही रहे होंगे। कितने रहे होंगे? दो चार। बोलो दो चार। इतने सालों में इतने बिगड़ गए, राइट? अगर हम दो चार मिलके, इतने लोग मिलकर जब समाज को सुधारने निकलेंगे, समाज सुधरेगा नहीं? सुधरेगा कि नहीं? सुधरेगा कि नहीं? सुधरेगा। आप सुधारने की शुरुआत तो कर सकते हैं, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम चाहेंगे तो समाज एक बार फिर सुधरेगा, और फिर से रामायण में निष्ठा रखेगा, फिर राम में निष्ठा रखेगा, फिर कृष्ण में निष्ठा रखेगा, फिर हमारे बच्चों के माथे पे तिलक होगा, फिर सर पे सिख आ जाएगा, कंधे पे यज्ञोपवीत आ जाएगा, और हर घर में बुजुर्ग माँ बाप रोएंगे नहीं, मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देंगे, क्या करेंगे भगवान के चरणों में जाने के लिए। और ये तभी संभव है जब आज हम ये कसम खाएं कि हाँ, हम अपने सनातन को बचाने का प्रयास करेंगे। कौन कौन ये कसम खाता है कि हम सनातन को बचाने का प्रयास करेंगे? पूरा मोबाइल के साथ कसम खाते हो? हाथ उठा के बोल, आपका हाथ उठाना ही हमारे लिए कसम होगा। क्या हम ये वचन लेते हैं अपने सनातन को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने देश में जितना भी संभव होगा बचाने का प्रयास करें? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। आज के बाद एक काम शुरू कर देना, माते पिता पर तुम्हारे बच्चे संस्कारी बने, ऐसा प्रयास। अब बताओ इसमें तुम्हारा क्या खर्चा हुआ? चंदन के गुरु क्या गया तुम्हारा? कुछ नहीं गया? नहीं। कौन कौन जाता धर्म की रक्षा हो? आरती के बाद वो लोग यही रुक जाए, उनके साथ हम 10 मिनट संवाद करेंगे, कुछ लोगों के प्रश्न लेंगे, जो हमसे मिलना चाहता है उनसे मिलेंगे, लेकिन वो लोग जरूर रुक जाएं जो धर्म की वाकई रक्षा करना चाहते हैं, और जो अर्जुन पांडे जी ने हमको रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे चल के अपनी संस्कृति को पूरे देश विदेश में जो बचाने का प्रयास करते अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए, वो यहाँ पर रुक जाएगा। आरती के बाद, आरती के बाद कौन कौन रुक जाएगा? देखो रुकेंगे, आपके प्रश्न भी हम लेंगे। आइए अब भगवान विराज भगवान का हम दर्शन करेंगे, इसके बाद हम परिक्रमा करेंगे, और उसके तुरंत बाद हम आरती भी करेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलेंगे राधे राधे। बोले विराज महाराज की, गोरखनाथ की, कृष्ण बलराम की, मैया यशोदा की, भवानंद की। सर ढगले, पहले हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। राम घाटी पर पहुंचकर साष्टांग दंडवत करके परिक्रमा को पूरी कर रहा है। इसके बाद मानसी गंगा गए, फिर मानसी गंगा में स्नान किया और मानसी गंगा का जल लेकर आए, और मानसी गंगा के जल से श्री गोवर्धन नाथ का अभिषेक किया। पंचामृत से हम और आप सभी अभिषेक कर रहे हैं विराज बाबा का। फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक किया, श्री गिराज महाराज को राज बाबा को धारण कराई। 56 भोग 36 व्यंजन हम सब भगवान श्री गिराज को लगा रहे हैं। तुदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। साधु संतों को, हजारों हजारों साधु संतों को भंडारे में बुलाया, निमंत्रण दिया, तमाम साधु संत ब्राह्मण भक्त प्रसाद पा रहे हैं, और सबको दिव्य दर्शन देकर विदा किया। फिर महाप्रसादी लेकर हम लोग इस गोवर्धन की प्रतिमा को पूर्ण करते हैं। विराज महाराज ये कलयुग के लोगों का ही ध्यान करते हुए भगवान ने हम सबके लिए ही मानसिक पुण्य की रचना की। ये कलयुग में मानसिक पुण्य भी अगर करेगा तो उसे मानसिक लाभ मिलेगा। तो कल भगवान कन्हैया का विवाह होगा रुक्मणी जी के साथ। पूजन गया है, छठ देवी का पूजन किया है, तो छठ पे वो यहाँ से जो यहाँ तक करती है, यहाँ तक क्या होता है? कल मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगेंगे, मतलब कन्हैया को भी अच्छे लगेंगे। कल ठाकुर जी के श्रृंगार विवाह में
यहाँ से लेके जो वहां तक लगा के आएंगे ना, हम आपका फोटो भी पूरी दुनिया में पहुंच पाएंगे। एक बात है, आप सब इतने अच्छे लोग हैं, अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, इसलिए मैं जैसे आपको यहाँ के लोग हिचकिचाते नहीं अपनी संस्कृति को फॉलो करने में, तो कल भी बढ़ चढ़कर उस संस्कृति को। माता बहनों से मेरा एक ही डिमांड है, दो जिन खींच के थोड़ा लंबा सा, कल थोड़ा बढ़िया लाल लाल साड़ियां पहन के ऐसे लगना, अब तक दुनिया वालों के लिए सजी हो, कल मेरे कन्हैया के लिए सज के आई। और भाइयों से भी निवेदन है, कल आप पे जो भी सबसे कीमती कुर्ते उड़ते हो वो जब पहन के आइएगा, और आप भी माथे पे लाल सिंदूर का तिलक लगाकर आइएगा, जिससे पूरी दुनिया जहां भी लोग तिलामू को देख रहे हैं, समय पूरे विश्व में अमेरिका कनाडा इत्यादि जहां भी देख रहे हैं, उन सबको ये पता चले कि झारखंड के लोग भी कितने भगवान की धीमा है। जोर से बोलना पड़ेगा, हमारी सोशल साइट्स पे कौन कौन इन्वॉल्व हो चुके, जुड़ चुके, अच्छा अभी भी आप लोग साइट्स हैं, ये सब टीवी पे आ रही हैं, जिन जो आप चलाते हैं नहीं चलाते तो बना ले चला ले, और फिर हमारा साथ है इसमें। आइए हम लोग आरती के लिए बड़े एक संदेश दे दें, उसके बाद तुरंत बाद आरती करा दें। स्वाभाविक से भी अस्वाभाविक हमारी दिनचर्या को आज के माहौल ने किया, समझ रहे हैं? हम सनातनी तो स्वाभाविक धार्मिक होते ही हैं। स्वाभाविक धार्मिक होते ही हैं। हम सूर्य को जल चढ़ाते, पृथ्वी को पूजते, देवी देवताओं के स्मरण करते, माता पिता का आदर करते,
किसी को अब्यूज नहीं बोलते, किसी का बुरा नहीं करते। यही हमारा धर्म है, यही हमारी संस्कृति है। लेकिन आजकल लोगों ने सूर्य को जल चढ़ाना बंद कर दिया, माँ बाप के पैर छूना बंद कर दिया, बड़ों का आदर करना बंद कर दिया। तो ये किया रोका गया उसे ही दोबारा पुनः जीवन में प्रारंभ कर दीजिए, तो आपका आध्यात्मिक जीवन हो जाएगा। जो था उसे ले आओ, उसी से जीवन जीना प्रारंभ करो। सूर्य से लेकर पृथ्वी तक सबका वंदन और माता पिता का आदर, अपने लक्ष्य को पाना है। याद रखिए एक बात, प्रत्येक बच्चा चाहता है बड़े से बड़ा लक्ष्य मुझे मिले, सब चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट से कोई बड़ा लक्ष्य नहीं पाया जा सकता। जब लक्ष्य बड़ा हो तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। लक्ष्य पर फोकस करें, भगवान पर विश्वास करें, आप निश्चित आध्यात्मिक जीवन जिएंगे। राधेश्याम दे दीजिए मैं। प्रभु राधे राधे। राधे राधे भैया। प्रभु हम भगवान की पूजा तो हम करते हैं, बाकी हमरा सब पागल कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब पता ना प्रभु। अच्छा पागल कौन है? जो भगवान की पूजा करे वो पागल, की जो भगवान को न माने वो पागल? अब पता ना प्रभु। अब हम बता रहे हैं, जो भगवान का न बन पाया वही पागल है। और प्रॉब्लम क्या है, पागल ये कभी नहीं मानता कि मैं पागल हूँ। तो पागल की नजर में सामने वाला पागल है। तो जो ऑलरेडी क्रेजी है, पागल है, वो आपको इसलिए पागल मानते हैं क्योंकि वो अपने आप को पहचानते नहीं। तो पागल वो है, आप नहीं। आप सही मार्ग पे हैं और आप इसे बढ़ाई नहीं। आप प्रश्न लाभ एक ही प्रश्न ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। प्रभु हम इतना आपसे प्रश्न करते ना, कुछ नहीं करते, हम खाली हम भटकाए छू करते हैं आपसे बड़े दर्शन के लिए। हम बड़ी तरसते थे कि कब हमको मिलते कि महाराज जी से थोड़ा दर्शन करते। अरे हम भाग्यशाली हैं, आपका दर्शन हमको हुआ। और हमारा पैसा के लिए प्रभु, हम तो पढ़े लिखे नहीं है उतना, हमारा पैसा के लिए बता दीजिए कि कैसे महीना में डाला जाता है वो हम डालेंगे प्रभु। हमें इतना कृपा बता दीजिए कि मैं धन हो गया, मैं धन हो गया, धन हो गया प्रभु। सच बताएं, धर्म आप जैसों के हृदय से ही टिका हुआ है, आयुष है। अब मुझे लग रहा है कि अगर आप जैसा भक्त मुझे मिल गया ना पहले दिन, निश्चित में इस लक्ष्य में सफल होगा और निश्चित में इस कार्य में सिद्ध कर पाऊंगा। मेरा धर्म में तो बहुत ज्यादा विश्वास है, मतलब बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं भगवान कुछ भी कोई कोई बोलता है भगवान ऐसे है वैसे है, मैं हर चीज में विश्वास कर लेता हूँ, भगवान ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मैं पूजन विधि में उतना ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। अभी एक छोटी शुरुआत बताइए जिससे मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ सकूँ। मैं बताता हूँ, भगवान सुबह पहले जैसे ही सुनाने लगे तो सबसे पहला काम प्रत्येक मनुष्य का होना चाहिए सूर्य को जल चढ़ाना, और सूर्य को हमेशा ताम्र पात्र से जल चढ़ाना चाहिए। ताम्र पात्र से, हर सच्चे सनातनी को जो अपने आप को सनातनी कहता है, नकली से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नकली हिंदू बहुत होते जा रहे हैं आजकल सिर्फ सोशल मीडिया पे हिंदू में, कर्म में कहीं हिंदुत्व तो नहीं हो, बोलने में हिंदुत्व तो है, कर्म में कोई हिंदुत्व तो नहीं हो। जब तक तुम्हारे कर्म में हिंदुत्व तो नहीं आएगा, सनातनी नहीं तुम्हारा कर्म होगा, तब तक तुम सिर्फ झूठे हो, सच्चे नहीं। और हमें सच्चा सनातनी बनना है। नुकसान झूठा सनातनी देगा हमको और सच्चा सनातनी लाभ देगा हमको। तो आप कर्म करो, ठीक। पहला कर्म प्रत्येक सनातनी को सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए ताम्र पात्र में। सफलता चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, तो उसमें लाल पुष्प या कुमकुम डालकर सूर्य को जल चढ़ाओ, पहला। दूसरा, उसके बाद जिस देवता को भी मानते हो आप, जिनको भी मानते हो, या तो आपने गुरु मंत्र ले रखा है, गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु के दिए हुए मंत्र को चाहे पांच माला ही करो, उस माला को करे बिना जाना नहीं है, दिन की शुरुआत नहीं होनी चाहिए आपकी। आप एक नियम बना लो, जब तक ये पांच माला मैं आज पूरी नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, और ये मेरे सच्चे सनातनी की कसम है। तो आप इसकी शुरुआत पहले कीजिए। कितना भी जब शुरुआत हो जाएगा तो धीरे धीरे जब मन शुद्ध होगा तो पांच की सात होंगी, सात की नौ, नौ की होंगी ग्यारह, ग्यारह की होंगी इक्कीस, और इक्कीस की होंगी 108। और जब बढ़ जाएगी संख्या तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और पीछे ओ मैया काली साड़ी पहन के, काली सी दिख रही है कैसी है मुझे नहीं पता, मैया को दे दो पीछे, यहाँ से काली दिख रही थी,
ब्लू है शायद, नीली है, कुछ राधे श्याम का छोटा सा लड्डू गोपाल का, और उनके साथ में हनुमान जी भी हैं और भी प्रतिमा है, तो हम उनकी पूजा कर सकते हैं साथ में, केवल कृष्ण का ही पूजा करें। गुरु जी कौन है आपके? अभी हम कोई दीक्षा नहीं लिए, पर हम मन करम वचन से गोविंद सरद जी महाराज जी आपके वृंदावन राधा के रिपोर्ट में है, उनको हम मान चुके हैं। तो उन्हीं के बताए हुए योग सरकार की पूजा करते रहिए, बाकी और देवी देवताओं को उनका पड़ोसी और पारिवारिक समझ के उनकी पूजा करते रहिए, और किसी का तिरस्कार मत करिए। जी महाराज। ठीक राधे हम देखो पीछे तक भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं हम कृष्ण सबके लेने का प्रयास कर रहे हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। प्रसन्न हो। मेरा प्रश्न है गुरु जी कि अगर कोई व्यक्ति गुरु दीक्षा लिया हो तो सिर्फ वो गुरु दीक्षा लिया हुआ मंत्र ही पढ़ सकता है या अपना कोई भी मंत्र पढ़ सकता है? और दूसरी बात कि अगर जो भी हम मंत्र स्टार्ट करते हैं वो हमेशा शुद्ध ही होना चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक है? क्योंकि शुरू शुरू में जब भी हम मंत्र पढ़ते हैं तो कुछ अशुद्धियाँ भी हो जाती हैं हमसे। अशुद्धियाँ हो जाती हैं तो भगवान भी समझता है कि अभी सीख रहा है, तो सीख रहा है तो भगवान उन चीज़ों को ध्यान नहीं देता, सीख लो शुद्ध हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर गुरु मंत्र मिल चुका है तो गुरु मंत्र के बाद तुम कुछ और मंत्र इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि उन गुरु मंत्र में निष्ठा नहीं मजबूत आपकी, आपको लग रहा है कि अभी ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए इस मंत्र से, है ना। तो प्रयास तो पहला ये रहे कि जो गुरु मंत्र मिल गया है उसी में निष्ठा रखो, और वही एक मंत्र आपका कल्याण कर देगा, आपका बेड़ा पार कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पहला यही प्रयास, बाकी का कोई विशेष नियोजन, जो कोई विशेष रीजन हो, कोई विशेष कारण हो, तो भी आप ये मंत्र जाप औरों के साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, बैठ जाओ राधे श्याम। और वो हमसे फोन करके पूछते कब आओगे, तो हम कहते हैं झारसूगुड़ा के बाद आएंगे। तो सनातन को टाइम दो, जीवन जीने की शैली सीखो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बैठो आराम से, और आज ही बैठे कल फिर नहीं बैठेंगे तुम्हारे साथ, लाइफ में पहली बार ही बैठे तुम्हारे साथ, और जिनकी जिंदगी के भाग रहे हो रोज बैठे मिलेंगे, वही सेम शकल वही मिलेंगे, कोई चेंज नहीं करना, तो थोड़ा सा चेंज कर दो, बैठ के कुछ अच्छा सीख लो। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और पीछे हाथ नहीं, आपको से बात खड़े करना, हाथ नहीं खड़े हो भैया बैठ जाए, इस बच्ची को दे दो जो पीछे आपको डाली, आप बैठ जाइए माता। राधे राधे महाराज जी। राधे श्याम। मेरा और मेरे पूरे परिवार का आपको प्रणाम। राधे श्याम। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि मैं जब भी भगवान का ध्यान लगाती हूँ मेरा ध्यान भटकने लगता है अन्य कामों में, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? ये तो आज के कलयुग के लोग हैं, सभी के साथ शुरुआत में ऐसा होता है। ये जितने भी लोग बैठे हैं इनमें से एक भी नहीं कोई कह पाएगा कि मैं जब भजन करता हूँ तो मेरा ध्यान लगा रहता है, ये सब भटकाऊ सौदा है। इसलिए उसके पीछे प्रमुख रीजन दो है, एक तो अभी हम उस नाम निष्ठा में परपक्व नहीं हो पाए, मजबूत नहीं हो पाए, पहली वजह तो ये है। दूसरी एक और वजह है कि हम जिस समय भजन करते हैं पूजा करते हैं वो टाइम बहुत लेट होता है। आप जब देखेंगे ब्रह्म मुहूर्त में या 4-5 बजे 6 बजे इवन 7 बजे तक भी जो भजन करते हैं बड़ा मन लगता है, लेकिन जब 8 बजे के बाद हम भजन करने बैठते हैं तो संसार की क्रिया भी शुरू हो जाती है और संसार के काम शुरू हो जाते हैं, फिर ध्यान भटकने लगता है। तो पहला काम ये करें कि थोड़ा अर्ली भगवान का भजन करना प्रारंभ करें। दूसरा, जहाँ मन भटकता हो जाएगा तो सही, पर उस जहाँ जा रहा है वहाँ टिकने मत दो, उसे वहाँ फिर से खींचना। और जब 1-2 महीने प्रैक्टिस करोगे फिर वो कहेगा कि मैं किसी भगवान के चक्कर में पड़ गया हूँ, ये मुझे कहीं जाने नहीं देगा, फिर ये शांत होकर आपके साथ में लग जाएगा। तो जहाँ जाता है टिक में वहाँ से बढ़ा रहा हूँ, सीख लो उसकी जिदे तो फिर आराम से बैठ जाओगे। ठीक है राधे श्याम। चिंता मत करो, तुम्हारी लेंगे तो प्रश्न। राधे राधे महाराज जी, आपके पावन चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। मेरे पूरे परिवार के तरफ से प्रश्न करो, प्रश्न करो।
मेरा प्रश्न ये था महाराज जी कि मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मैं ठाकुर जी की भी पूजा करती हूँ और शिवलिंग में जल भी चढ़ाती हूँ प्रत्येक सोमवार को और सभी देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, पर अभी आजकल साईं बाबा का बहुत विरोध हुआ, वो हिंदू थे या मुस्लिम, क्या देखिए आप एक धर्माचार्य से ही प्रश्न कर रही हैं, हैं? धर्माचार्य से ही प्रश्न कर रही हैं जी, एक कथाकार से ही प्रश्न कर रही हैं, अब बताइए मिला जुला दूं कि क्लियर दूं? हम हिंदुओं की एक ही प्रॉब्लम है, हम किसी भी देवी देवता को इसलिए नहीं पूछते कि वो देवता है कि वो देवी है कि क्या है, हम इसलिए पूछते हैं कि हमें उससे कुछ चाहिए। हमें कुछ चाहिए इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। अब बताइए, चलो साईं बाबा के विषय में तो ये कहते हैं कि वो मुस्लिम था कि वो हिंदू था, व्हाटएवर जो भी बातें होती हो, पीर का तो स्पष्ट पता है ना वो मुसलमान है, फिर वहां चादर हिंदू क्यों चढ़ाता जाके, उसका तो क्लियर मालूम है ना, फिर वहां कौन सी भ्रम है। सच ये है कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मेरे से क्वेश्चन है तो मैं इसका एक आंसर दूंगा, पूजनीय लोगों की पूजा करनी चाहिए, अपूजनीय व्यक्ति की कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, अपूजनीय लोगों की पूजा करने वालों का कभी भी कल्याण नहीं होता, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि साईं बाबा का अपमान करना चाहिए, नहीं, मेरी नजर में जिन्होंने भगवान का भजन किया, साधना की, चाहे वो किसी भी समाज के हों, वो आदरणीय है, उनका आदर करना चाहिए। लेकिन पूजा, देखो भगवान ने गीता में क्या कहा है, ये तो बाबा है, साईं बाबा है, ठीक है ना, साईं बाबा है, ठीक है ना, भगवान को नहीं है ना, भगवान को नहीं, साईं बाबा है। अब भगवान ने तो देवी देवताओं की भी पूजा मना की है, गीता अगर आप पढ़ोगे तो गीता में भगवान ने कहा कि अगर तुम देवी देवताओं की भी पूजा करोगे तो उसी देवी देवता के लोक में जाओगे, और उसी देवी देवता के लोक में जब तुम्हारे पुण्य पूरे हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, वापस धरती पे आना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम मेरी पूजा करोगे और अगर मेरे हो जाओगे तो तुम फिर कभी भी पृथ्वी पे वापस नहीं आओगे, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। और ऐसा कहने वाला अकेला मेरा कृष्ण है, याद रखना इस बात को, पूरे ब्रह्मांड में ये किसी ने नहीं कहा है सिवाय मेरे कृष्ण के कि मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, और जो मेरी पूजा करता है वो फिर वापस धरती पे। तो मेरी मानना, अगर कोई मेरी माने, देखो आप किसकी पूजा करोगे किसकी नहीं आपका पर्सनल विषय है, मैं आपको रोकूंगा नहीं टोकूंगा नहीं, लेकिन जब प्रश्न करोगे तो सटीक जवाब ये दूंगा, जिनके घर में लड्डू गोपाल की पूजा है उसे किसी बाबा की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, उसे फिर कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की पूजा में सबकी पूजा हो जाएगी, सबकी पूजा हो जाएगी। अब सनातनियों को 5 लोगों की पूजा करनी चाहिए, कौन से? एक अपना आराध्य राम कृष्ण कोई भी हो, वो एक ही है, नारायण एक ही है, ठीक, शिव, कुलदेवी पार्वती जो भी हो, देवी 9 देवियों में से कोई भी कुलदेवी हो, वो एक सूरज, एक गणेश और एक अग्नि, इनकी पूजा करनी चाहिए हमको। सूर्य की, सूर्य और अग्नि एक ही, दोनों का तेज, गणेश, शिव, नारायण और कोई कुलदेवी, ये 5 देव पूजा करो जिससे पूरे है जाए काम। ये 5 देवों की पूजा करने से सनातनियों का हमेशा घर का उत्थान होता है। तो आप किसकी करेंगे पूजा किसकी नहीं वो आप जाने,
और हमसे पूछ रही है तो हम तो कहेंगे सनातनियों को 5 देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, अपने आराध्य की जम के निष्ठा से पूजा करनी चाहिए। आपके आराध्य आपका बेड़ा पार, बस वही शुरू कर दो, वहीं पे एंड कर दो, बस ठाकुर जी पे टिक जाओ, कल्याण हो जाएगा। जाओ इस बच्ची ने बहुतों की समस्या हल करवा दी है क्वेश्चन करके, और आई एम प्राउड ऑफ यू, आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रश्न किया। लेकिन एक निवेदन है, प्रश्न सिर्फ जानने के लिए नहीं, मानने के लिए करो कि अगर कोई हमारा धर्माचार्य कह रहा है तो वही करेंगे, फिर हम हमें कुछ और नहीं करना, इसके लिए करो। धन्यवाद, आगे ले आओ माइक को, अब आगे वाले आओ। क्या करोगे कभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो, बाबा करो, बाबा बाबा करो या बाबा करो, कुछ भी तो करो। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो जो अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में, जवानी का सदा स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये पानी का। आप बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। माइक आगे लाओ, जल्दी लाओ, ठहरो, तुम में बैठने का, भागने की जल्दी तुम्हें, मुझे थोड़ी, हम पे कोई काम थोड़ी है। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे बच्चा। सनातनी धर्म के युवा होने के नाते हमारा क्या क्या दायित्व बनता है जिससे हमारा धर्म की प्रख्याति विश्व भर में और भी बढ़ जाए? सबसे पहला काम, माथे पे तिलक लगा के चले, हाथ में कलावा बांध के चले, किसी भी विधर्मी से संवाद न करें, अपने धर्म को कभी भी झुकने न दें, ऐसा संकल्प अपने मन में लेकर चले। अपने माता पिता का आदर करें, मेरे कारण मेरे माता पिता का सम्मान गिरेगा नहीं, ऐसा प्रयास हमेशा रहे। अपने भगवान के प्रति निष्ठा रहे, अपने ग्रंथों के प्रति निष्ठा रहे, जितना हो सके दूसरों को अच्छा मार्ग दिखाएं, किसी को बुरा मार्ग दिखाकर उसे गिराने का अवसर प्राप्त हमें न हो, ऐसा प्रयास जीवन में करें, आपका कल्याण होगा। ठीक, इधर जाओ, उस बच्चे को इधर दो, बच्चों देंगे नहीं, तुम खड़े हो गए, अब नहीं देंगे बच्चे, कौन कौन प्रश्न कर रहे हैं कुछ नहीं देना, वो नहीं, तुम खड़े हुए थे, नहीं नहीं अभी तुम खड़े हो जाओ बीच में, इसको दो, इसे दो, दो इसे मैं दो। हेलो, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे भैया, मेरा एक सवाल है कि बहुत सोचने वाला सवाल है कि हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कैसे करें, जहां तक हमारे धर्म को बहुत लोग परिवर्तन करने में लगे हैं, इस पर हम आपका विचार चाहते हैं कि आखिर हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कैसे करें। हर बड़े आदमी को उस छोटे आदमी की मजबूरी को समझना चाहिए, जिस मजबूरी के कारण वो अपना धर्म बदलता है। अगर बड़े होने के बाद उन छोटे लोगों की मजबूरियों में हम हाथ बटाने लग जाएंगे तो हमारे सच्चे सनातनी कभी भी हमारा धर्म छोड़कर दूसरे के धर्म में नहीं जाएंगे। हमें ये कार्य पहला करना चाहिए, उनकी मजबूरी समझनी चाहिए और उनकी मजबूरियों में हाथ बटाना चाहिए। ये जो हम काम करने जा रहे हैं ना, जो हम आपसे कह रहे हैं आप हमारा सपोर्ट करो, कुछ भी एक धनराशि आप निश्चित करो कि हम ये देंगे महीने में, हमारा लक्ष्य यही है कि हम उन लोगों की मजबूरी को समझेंगे, और उनकी मजबूरी में वो पैसे के बल पे ना धर्म पर बदलवाते हैं, हम उस पैसे का सदुपयोग उन गरीबों की सेवा में करेंगे जिसके कारण वो अपना धर्म बदल लेते हैं। आपको अभी हमने बताया नहीं, इतना बड़ा ड्रीम हमारे दिमाग में चल रहा है, तो पहला आप अपनी तरफ से धर्म को स्वीकार करें, अपने आचरण में धर्म को लाएं, अपने व्यवहार में धर्म को लाएं, अच्छाई को लाएं, और वैसे ही अपने दोस्त अपना सर्कल तैयार करें, और जरूरतमंदों की अगर कोई सेवा हम कर सकें तो वो अवश्य करें, जिसके कारण वो हमें छोड़ के न जाए और वो हमारी सहायता में लगे रहें। ठीक है, वो उनका बचा है। देखिए, और आप सब सनातन का, हमको कुछ युवा चाहिए जो वाकई सनातन का प्रचार करना चाहते हैं, कुछ युवा चाहिए। कौन कौन है, कौन कौन हमारी टीम में शामिल होगा? सब शामिल है। पक्का पक्का।
हमारी टीम में शामिल होगे? पक्का? एकदम पक्का। जो भी चीजें हम कहेंगे उनको चकाचक जम के शेयर करिया करेंगे हम, ठीक है? तो आप लोग सब हमारे फेस एक बनाएंगे कुछ ऐसा जिससे हम लोग इसको और भी ज्यादा ज्यादा प्रभावी बनाए, झारखंड की पूरी टीम बना देंगे। तो कौन कौन इस टीम में शामिल होगा हमारी में? आई क्या तो हम बैठ जाइए, आप खड़े नहीं देंगे तो आप ये सब कर सकते हैं। राधे राधे। राधे श्याम। गुरु जी मेरा ये प्रश्न है कि गुरु दीक्षा और गुरुमुख होना ये दोनों क्या एक ही चीज़? एक ही चीज है। एक ही चीज तो एक ही चीज गुरु दीक्षा या गुरु कब तक हमें हो जाना चाहिए? 11 वर्ष की आयु के बाद कभी भी हमें गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। धन्यवाद। क्योंकि ये युवा तो जिससे मन नहीं लगता है 5 मिनट नहीं बैठते हैं, और आप अभी तक बैठे हुए हो 1:30 बजे के आके अभी तक बैठे हो, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। मेरा बार बार आग्रह है, देश और धर्म की बात जब हो तो जाति के इस तिनके को तोड़ के फेंक देना चाहिए। ये जाति ना तो देश को सुख दे रही है ना धर्म को सुख दे रही है। ये जाति अगर किसी को सुख दे रही है तो सिर्फ नेताओं को सुख दे रही है और किसी को सुख नहीं दे रही। ये जाति का जो कीड़ा है ना, ये एक ही ऐसा कोरोना है कि हमारे देश में हमें बहुत कमजोर कर रहा है, और इसका लाभ सिर्फ नेताओं को मिलता है, समाज को कोई लाभ नहीं। तो अब जाति में रहना है तो आप जानो, लेकिन मेरा मानना है जब देश और धर्म की बात आए तो जाति से ऊपर उठकर हमें अपने देश और धर्म की बात करनी चाहिए, और इसी से हमारे देश का सही माने में विकास होगा।